स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? तो हम अपने टॉपिक पे जाएंगे सीधा, ठीक है? तो देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया था, रिफ्रेक्शन, रिफ्रेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, यस और नो? यस और नो आके ना, ठीक है? हाँ, और ये रिफ्रेक्शन के अंदर हमने दो केसेस लिए थे कि जहां पे एक बार आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, डेंसर मीडियम के अंदर, और एक बार आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, रेरर मीडियम के अंदर। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे डेंसर मीडियम कंसिडर करूँ, ये वाली साइड पे अगर मैं कोई डेंसर मीडियम कंसिडर करूँ, ठीक है, अगर राइट साइड पे कोई डेंसर मीडियम होगा और ये वाली साइड पे कौन सा मीडियम होगा, रेरर मीडियम होगा, ठीक है? ये वाली साइड पे क्या होगा, रेरर मीडियम होगा, लेफ्ट साइड पे, क्लियर? तो आपको पता है ना कि आपने ऐसे इमेज बनाई थी इनकी, यस और नो? सर नो, क्लियर? तो ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू था, ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर थी, और ये आपका इमेज डिस्टेंस क्या था, वी के बराबर था। तो याद है आपको कि अगर मैं इनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N1 कंसिडर करूँ, इनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N2 कंसिडर करूँ, तो आपको फॉर्मूला क्या मिला था, याद है कि नहीं? ऐसे मिला था कि नहीं? मैंने आपको बोला था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वो जो मीडियम में होगा उनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पे माइनस था, प्लस N2 डिवाइड बाय V मिला था कि नहीं, यस और नो? हाँ कि ना? और वो किसके हाँ था, N2 माइनस N1 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? ये कब था, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था मैंने, रेरर मीडियम में, और इमेज कहाँ पे बनी थी, डेंसर मीडियम के अंदर। फिर देखो यहाँ पे सेकेंड केस, फिर देखो सेकेंड केस। तो सेकेंड केस के अंदर क्या हुआ, ठीक है, सेकेंड केस के अंदर क्या हुआ कि आपकी जो ऑब्जेक्ट थी वो कौन से मीडियम में थी, रेरर मीडियम में, वो कौन से मीडियम में थी, रेरर मीडियम में, ठीक है? आपकी सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ पे थी, डेंसर मीडियम में। फिर सेकेंड केस के अंदर देखो, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे था, ठीक है, और इमेज कहाँ पे मिली थी मुझे, रेरर मीडियम में। तो ऐसे मिला था कि नहीं, यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा यू, इमेज डिस्टेंस होगा वी, और इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई मैं यहां से आर कंसिडर कर लू, तो इनका फॉर्मूला कौन बोलेगा मुझे? ये देखो, इनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा N2 और इनका क्या होगा, N1, यस और नो? तो मैंने आपको बोला था, याद रखो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वो जो मीडियम में होगा उनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और आगे माइनस का साइन, प्लस इमेज डिस्टेंस और उनके मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कौन होगा, N1, यस और नो? और ये हमें क्या मिला था, याद है कि नहीं आप लोगों को, यस और नो? एक केस आपने दोनों, ये दोनों केसेस आप लोगों को याद है ना, ठीक है? और हमें इनका डिफरेंस क्या मिला था, ऐसे याद है आप लोगों को? हेलो, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, डेंसर मीडियम के अंदर, इमेज कहाँ पे थी, रेरर मीडियम के अंदर, ठीक है? नहीं, यस और नो? ठीक है, और यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला मिला था, ये राइट साइड पे, N1 N1 माइनस N2 डिवाइड बाय R, ठीक है, क्लियर? अब बोलोगे कि सर यहाँ पे आपने एक और फॉर्मूला भी करवाया था, N2 माइनस N1 डिवाइड बाय R वाला, ठीक है? तो वहां पे हमने क्या किया था, माइनस से मल्टीप्लाइड किया था, तो ये क्या बनेगा, -N1 डिवाइड बाय V, ये क्या बनेगा, N2 डिवाइड बाय U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाय R, यस और नो? ये दोनों फॉर्मूला के लिए क्लियर, ये याद रखना। और वहां पे मैंने क्या बोला था कि N1 के आगे हम माइनस रखेंगे, वहां पे मैंने क्या बोला था, एक और बोला था N1 के आगे हमें क्या रखना है, माइनस का साइन रखना है, ठीक है? तो ये देखो, यहाँ पे भी N1 नेगेटिव, और यहाँ पे भी आपका N1 क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा कि नहीं, यस और नो? क्लियर इतना, ठीक है? तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखो। अब देखो, ये दोनों जो फंडा है ना आपका, वही फंडा को यूज करके
ठीक है, ये दोनों फंडा को यूज करके ना आगे जाके मैं एक इक्वेशन डिराइव करने वाला हूँ, ठीक है, क्लियर यहाँ पे इतना। चलो तो वो आगे जाके जो हम डेरिवेशन करने वाले वो कौन सी फॉर्मूला होगी, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो यहाँ पे ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो फर्स्ट लेंस मेकर फॉर्मूला और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले ना आप डायग्राम को समझोगे, आप किसको समझोगे, सबसे पहले डायग्राम को समझोगे, ठीक है। चलो तो मानो कि अगर मैं ये देखो एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे ऐसे कंसीडर करूं, एक कॉन्वेक्स लेंस मैं ऐसे कंसीडर करूं, ठीक है, क्लियर। तो देखो एक कॉन्वेक्स लेंस मैं ऐसे कंसीडर करूं, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है, क्लियर, यस और नो। अब देखो कि मैं ऑब्जेक्ट ना ए वाले पॉइंट पे कंसीडर कर रहा हूं, तो यहां से जो डिस्टेंस होगा वो मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। फिर देखो अगर मैं यहाँ पे इंसिडेंट रे कंसीडर करूं, अगर मैं यहाँ पे इंसिडेंट रे कंसीडर करूं ए वाली, तो देखो ए रे कहाँ पे जा रही है, रेरर टू डेंसर मीडियम, ये कहाँ पे जा रही है, रेरर टू डेंसर मीडियम। फिर देखो ये जो सेकेंड सरफेस है, ये जो आपकी ए वाली सरफेस है, तो उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर में यहाँ पे कहीं पे कंसिडर करूँ तो उनसे यहाँ पे नॉर्मल बनेगा कि नहीं, यस और नो। देखो मैं लाइट से ड्रॉ कर रहा हूं, यस और नो, हाँ कि ना, यस और नो। तो देखो कि ये रे आपकी जा रही है रेरर टू डेंसर, रेरर टू डेंसर, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ये कैसे बेंड करेगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, यस और नो। तो ये देखो थोड़ा रिफ्रेक्शन हुआ यहाँ पे टुवर्ड्स दी नॉर्मल। फिर देखो ये कहाँ पे इंसिडेंट हुई, ये सेकेंड सरफेस पे, ठीक है। तो ये जो सेकेंड सरफेस है उनके लिए अगर मैं देखो कर्व ड्रॉ करूँ तो वो तो यहाँ से ऐसे होगा कि नहीं, यस और नो, क्लियर। और ये जो सेकेंड सरफेस पे नॉर्मल में ड्रॉ करूँ तो ये जो सरफेस बनेगी उनके सेंटर से होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक C2 पॉइंट कंसीडर करूँ और ए C2 पॉइंट से, ए C2 पॉइंट से यहाँ पे एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ होगा कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। अब देखो ये रे कहाँ पे जा रही है, इनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N1, इनका N2, तो ये रे कहाँ पे जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, क्योंकि वो कहाँ पे जा रही है, डेंसर टू रेरर, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल वो बेंड होके कहाँ पे जाएगी, ऐसे कुछ होगा कि नहीं, यस और नो, ठीक है। ये देखो ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल कहीं पे बेंड हो गई, ठीक है, थोड़ा ज्यादा मैंने यहाँ पे बेंडिंग दिखा दिया, कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको फाइनल इमेज मिलेगी, यस और नो, क्लियर। और ये फाइनल इमेज डिस्टेंस होगा आपका वी के बराबर, ठीक है, ये फाइनल इमेज डिस्टेंस होगा आपका वी के बराबर, ठीक है। अब देखो थोड़ा ना रिवर्स करो, कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये रे यहाँ से रिफ्रेक्शन नहीं करेगी, तो अगर ये रे विदाउट रिफ्रेक्शन ट्रैवल करती तो ऐसे ट्रैवल करती कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की वो ये वाली सरफेस पे विदाउट मैंने रिफ्रेक्शन ट्रैवल किया तब मिली, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो देखो कि ये रिफ्रेक्शन यहाँ से लेके ये वाला, ठीक है, मतलब कि ये सेकेंड सरफेस पे मैंने रिफ्रेक्शन कंसिडर नहीं किया तो मुझे यहाँ पे इमेज मिलती, यस और नो। और उनका मैं इमेज डिस्टेंस में यहाँ से कंसिडर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, उसको मैंने कंसिडर किया V1 के बराबर, किसके बराबर कंसिडर किया मैंने, V1 के बराबर, यस और नो, हाँ कि ना, क्लियर। देखो यहाँ पे एक्चुअल आपका रे रिफ्रेक्शन पाथ के साथ कौन सी होगी, एक ए वाली, ठीक है, फाइनल आपको ये वाला दिखेगा, देखो फाइनल में यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, और ये फाइनल इमेज यहाँ पे ऐसे आई, क्लियर, ये फाइनल इमेज ऐसे आई मिलेगी, ठीक है, क्लियर, ये फाइनल है। ये तो मैंने कंसीडर किया कि अगर ये सेकेंड सरफेस पे आपकी रे विदाउट रिफ्रेक्शन ट्रैवल करती तो, क्लियर। अब देखो कि यहाँ पे ये जो सरफेस होगी, ये वाली जो सरफेस होगी उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे कंसीडर करनी है R1 के बराबर, कितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर कंसीडर करना है, R1 के बराबर। और ये वाली जो सरफेस होगी उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे यहाँ पे कंसिडर करना है R2 के बराबर, यस और नो, क्लियर इतना, हाँ कि ना।
अब देखो सेकेंड थिंग कि आपको ना यहाँ पे दोनों केसेस अप्लाई करने हैं, ठीक है। ध्यान से देख के मुझे बोलना। ये देखो रे कहाँ पे जा रही थी, रेरल टू डेंसर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ, ए रे कहाँ पे जा रही है, रेरल टू डेंसर। और आफ्टर रिफ्रेक्शन मानो कि ये जो मीडियम है उनको काफी बड़ी मैं कंसिडर कर लूँ, ये जो इमेज आई वन इमेज बनी तो उसको मैं डेंसर मीडियम में वर्चुअल इमेज कंसिडर नहीं कर सकता मैं, यस और नो? आके ना, ठीक है। ये जो आई वन इमेज बनेगी उसको मैं डेंसर मीडियम के अंदर कौन सी इमेज कंसिडर कर सकता हूँ, वर्चुअल इमेज, ठीक है। अगर ये जो मीडियम है उनको मैं ऐसे बड़ी मीडियम कंसिडर करूँ तो क्लियर। तो एक बार ये वाली फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, इनके अंदर, क्लियर, ए वाली साइड से, ठीक है। और फिर सेकेंड टाइम ये जो वर्चुअल इमेज बनेगी मानो कि जिसको मैंने मीडियम के अंदर कहीं पे कंसिडर किया, तो फिर वहां से जो रे होगी वो ये सेकेंड सरफेस के लिए तो क्या बनेगी, इंसिडेंट रे। तो वहां पे क्या होगा कि आपका जो वर्चुअल इमेज होगा वो टेंसर मीडियम में कंसिडर किया जाएगा, और ये जो फाइनल इमेज होगी आई उसको फिर से कहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, रेरर मीडियम में, यस और नो? क्लियर। तो देखो कि ये फिगर को ना मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। इनका फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है, ठीक है, इनका फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है, खाली आप ध्यान देना बस, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो इनको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे तो फर्स्ट पार्ट ए वाला होगा, ए वाला, कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके बराबर है, यू के बराबर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू के बराबर, और यहाँ पे के डेंसर मीडियम में इनके वर्चुअल इमेज में कंसिडर कर लो। चलो ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका क्या बनेगा, इंसिडेंट रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर ये क्या बनेगा, यहाँ पे सरफेस नॉर्मल, मानो कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर में कंसिडर करूँ तो ये इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन बनेगी, वो क्या होगी, सरफेस नॉर्मल। तो ये कौन सी लाइन होगी, सरफेस नॉर्मल। और आपको मैंने बोला ना ये वाला कि यहाँ से अगर ये विदाउट रिफ्रेक्शन जाए तो कहाँ पे जाएगी, आई वन। तो अगर ये डेंसर मीडियम में काफी लंबी कंसिडर करूँ तो ये देखो क्या होगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्या होगा, आई वन, ठीक है, क्लियर। ए क्या होगा, आई वन। तो इनके लिए जो इमेज डिस्टेंस होगा उसको मैंने किसके बराबर कंसिडर किया था, देखो वी वन कंसिडर किया है कि नहीं, यस और नो, यस और नो? और ये इनका जो रेडियस है उसको हमने कंसिडर किया आर वन के बराबर, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे मैं ये वाली फॉर्मूला जैसे आपने यहाँ पे अप्लाई किया था वैसे ही यहाँ पे अप्लाई करूँ। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऊपर ऑब्जेक्ट मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, इमेज डिस्टेंस का इमेज का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, वो वाले मीडियम का, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे मुझे ऐसे मिलेगा कि नहीं, इनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन वन, इनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसके बराबर, एन टू के बराबर। तो यहाँ पे फार्मूला क्या मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उनका एन वन, ठीक है, प्लस एन टू डिवाइड बाई इमेज डिस्टेंस क्या होगा, वी वन, और ये क्या होगा, एन टू माइनस एन वन डिवाइड बाई आर वन, यस और नो? समझ में आ कि नहीं आपको फार्मूला, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? क्लियर इतना? ओके चलो फिर देखो सेकेंड साइड पे आप जब कंसिडरेशन करोगे तो मैंने आपको बोला ना इनको हमें कंसिडर कहाँ पे करना है, वर्चुअल है तो ये कहाँ पे कंसिडर होगी, डेंसर मीडियम के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं सेकेंड साइड का मैं पार्ट यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ऐसे मैं कुछ कर सकता हूँ। देखो ये सेकेंड राइट साइड के लिए यहाँ पे फंडा में ये वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है, मैं ड्रॉ ऐसे करूंगा। देखो यहाँ पे तो राइट साइड की जो सरफेस है उनके लिए, तो देखो यहाँ पे, ठीक है, कि अगर मैं इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर कंसिडर करूँ तो वो आर टू होगा यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर। चलो ये बनेगा सरफेस नॉर्मल, ये बनेगा सरफेस नॉर्मल, ठीक है। अगर मानो कि इनको आप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर यहाँ पे कंसिडर करते तो मैंने आपको बोला है कि अगर मैं यहाँ पे भी कंसिडर करूँ फिर भी मैं इनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का कंसिडर करूंगा, डेंसर का, यस और नो? ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में तो वो कहाँ पे बनेगी, दो दो डेंसर मीडियम के अंदर बनेगी ना ऐसे, यस और नो?
क्लियर, वर्चुअल वो तो वो कहाँ पे कंसिडर होगी, डेंसर में। ये जस्ट फिगर में जैसे दिया वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, फिर नोट से आपका अलग ना बने। और फिर इनकी फाइनल इमेज कहीं पे मुझे यहाँ पे ऐसे मिली थी आई के बराबर, तो ये जो डिस्टेंस था वो कितना था, वी वन के बराबर, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस था वो किसके बराबर था, वी के बराबर, देखो ए वाली साइड का, यस और नो, ठीक है, ए वाली साइड के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट अपना कहाँ पे कंसिडर होगा, डेंसर के अंदर ही। अगर मैं ऐसे दिखाऊँ ना तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है ऐसे, ठीक है, क्लियर, कि ये आपका फाइनल इमेज यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कंसिडर करूँ, इनको वी वन कंसिडर कर लूँ, ठीक है, ये आर टू के बराबर कंसिडर होगा, और ये फाइनल इमेज यहाँ पे आई किसके बराबर कंसिडर होगी, वी के बराबर, इनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन टू और इनका क्या होगा एन वन, यस और नो, क्लियर इतना, क्लियर इतना। चलो तो यहाँ पे मुझे बता दो कि इनके अंदर कैसे होगा। देखो ये वाली फार्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऊपर कौन है, ऑब्जेक्ट का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। देखो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, क्लियर, तो यहाँ पे भी सेम कंसिडरेशन है। साइन कन्वेंशन करोगे तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, तो एन वन माइनस एन टू डिवाइड बाई आर, ठीक है। इमेज फाइनल इमेज कहाँ पे, रेरर मीडियम में, ये देखो फाइनल इमेज कहाँ पे, रेरर मीडियम में, यस और नो, हाँ कि ना। तो देखो कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि इनके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ए वाली जो सेकेंड सरफेस है उनके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो वी वन के बराबर होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बनेगा, वी वन माइनस, और उनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहाँ पे, डेंसर के अंदर हमें कंसिडर करना है, तो वो किसके बराबर होगा, एन टू के बराबर, यस और नो, आके ना। फाइनली इमेज मुझे कहाँ पे मिलेगी, रेरर मीडियम में, जिनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा एन वन के बराबर, सो प्लस एन वन डिवाइड बाई इमेज डिस्टेंस कितना होगा, वी के बराबर, यस और नो। राइट साइड पे क्या रहेगा, एन वन माइनस एन टू डिवाइड बाई आर, क्या होगा, एन वन माइनस एन टू डिवाइड बाई आर। अब देखो कि कोई बोले आर टू, ठीक है, अगर कोई बोले कि सर मुझे ये वाला लॉजिक अप्लाई करना है, आप कर सकते हो, ठीक है, लास्ट में आपको डेरिवेशन तो दोनों केस में सेम ही मिलेगा, ओके, यस और नो, आखिर, ठीक है। चलो तो देखो कि दो इक्वेशन मुझे मिल गए, दिस विल बी इक्वेशन नंबर टू, ए होगा इक्वेशन नंबर टू, ए होगा इक्वेशन नंबर वन, और ये कौन सा होगा, इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन का एडिशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, एडिशन ऑफ, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है, तो पहले राइट साइड पे देखो फिर लेफ्ट साइड पे देखते हैं, तो राइट साइड पे क्या बनेगा, माइनस एन वन डिवाइड बाई यू प्लस एन टू डिवाइड बाई वी वन, और यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस एन टू डिवाइड बाई वी वन प्लस एन वन डिवाइड बाई वी, सो दिस विल बी माइनस एन वन डिवाइड बाई यू फ्रॉम दिस प्लस एन टू डिवाइड बाई वी वन माइनस एन टू डिवाइड बाई वी वन प्लस एन वन डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू राइट साइड एन टू माइनस एन वन डिवाइड बाई आर वन, और यहाँ पे क्या होगा, एन वन माइनस एन टू डिवाइड बाई आर टू, यस और नो, और ये क्या होगा, एन वन माइनस एन टू डिवाइड बाई आर टू। अब देखो अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ से माइनस बाहर निकालोगे तो ये सीधी बात है, ये क्या बन जाएगा, एन टू माइनस एन वन के बराबर मिलेगा, या तो अगर आपने ये डायरेक्ट, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते, ये वाला फंडा, तो वहां पे आपको डायरेक्ट मिलता है, यस और नो, आके ना, ठीक है। तो मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, एन टू माइनस एन वन डिवाइड बाय आर वन माइनस एन टू माइनस एन वन डिवाइड बाय आर टू, यस और नो, आके ना, और देखो ये दोनों कैंसल, ठीक है, सो दिस विल बी माइनस एन वन डिवाइड बाई यू प्लस एन वन डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन डिवाइड बाई आर वन माइनस एन टू माइनस एन वन डिवाइड बाई आर टू। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एन वन कॉमन करूँ तो अंदर क्या रहेगा, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, ठीक है, ये क्या होगा, एन टू माइनस एन वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, यस और नो, ठीक है, सो दिस विल बी वन अपॉन वी
माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन डिवाइड बाय एन वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, यस और नो? क्लियर? तो एक डेरिवेशन मुझे ये वाला मिला, ध्यान से देखना, ठीक है? क्लियर? चलो इनको मैं आगे ऐसे भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे देखो, अब देखो इनको आगे ऐसे कर सकता हूँ, एन टू डिवाइड बाय एन वन माइनस एन वन बाय एन वन मतलब वन हो जाएगा, ठीक है? तो इनको अभी करके आपको मतलब की करना है तो आप वैसे भी दिखा सकते हो, ठीक है? चलो तो अब देखो कि आप मुझे बोलो ये वी कौन है और ये यू कौन है। तो वी कौन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कि नहीं, सॉरी वी वी कौन है, आपका इमेज डिस्टेंस है कि नहीं, ये वी कौन है, इमेज डिस्टेंस है, और यू कौन है, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये फाइनल आपकी इमेज डिस्टेंस है, और ये फाइनल कौन सी इनिशियल आपकी कौन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यस और नो? हाँ कि ना? अब ध्यान से मुझे आंसर देना, आप ध्यान से मुझे आंसर देना कि आपको रिफ्रेक्शन थ्रू लेंस पता है। मानो कि एक कॉन्वेक्स लेंस मैं कंसीडर करूं और ये इनकी प्रिंसिपल एक्सिस हो, ठीक है, और यहाँ पे जो रे इंसिडेंट हो वो इनफाइनाइट से ना ऐसे रे इंसिडेंट होके आती है, तो आपको पता है ना आफ्टर रिफ्रेक्शन वो कहाँ से पास होगी, थ्रू फोकल पास होगी। तो अगर ऐसी काफी सारी रेज में इनफाइनाइट से कंसिडर करूँ और ये फोकल से पास होके मिले, इसका मतलब आप समझा सकते हो मुझे कि अगर ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पे कंसिडर करूँ, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो उनकी इमेज मुझे कहाँ पे मिलेगी, फोकल पॉइंट पे, फोकल लेंथ जितने डिस्टेंस पे, यस और नो? ये जो इक्वेशन है, ये जो मेरा यहाँ पे इक्वेशन है, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन डिवाइड बाय एन वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे कंसिडर करूँ, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और इमेज को मैं कितने डिस्टेंस पे कंसीडर, तो इमेज मुझे कहाँ पे मिलेगी, फोकल लेंथ पे मिलेगी कि नहीं, फोकल लेंथ जितने डिस्टेंस पे, तो v की जगह पे f लगा दो, u की जगह पे इनफाइनाइट लगा दो, सो दिस फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, हाँ, वन अपॉन f माइनस वन अपॉन इनफाइनाइट एन टू माइनस एन वन डिवाइड बाई एन वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ठीक है, वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो होगा, सो दिस विल बी वन अपॉन f इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन डिवाइड बाई एन वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, आके ना? ठीक है, तो ये आपको क्या मिलेगा, फोकल लेंथ, ठीक है, फॉर्मूला मिल गया। तो यही जो फॉर्मूला है ना उसको हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, यस और नो? ठीक है, क्लियर? तो ये क्या बन गया अपना, लेंस मेकर फार्मूला। अब देखो इनको आगे थोड़ा मैं आगे एक्स्ट्रा करे, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, तो वन अपॉन एफ एन टू डिवाइड बाय एन वन माइनस एन वन डिवाइड बाय एन वन वन हो जाएगा कि नहीं, यस और नो? वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे डेंसर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन के बराबर कंसिडर करूँ और रेरर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रेरर मीडियम को मैं एयर कंसीडर कर लूँ तो उनका वन होगा कि नहीं, तो ये देखो क्या बनेगा, एन टू की जगह पे एन डिवाइड बाई वन माइनस, ये देखो वन ऐसे, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, यस और नो? ठीक है, क्लियर, यस और नो? हाँ, क्लियर? तो ये क्या होगा, लेंस मेकर फॉर्मूला। ओके, समझ में आया सब लोगों को? मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है?